जी हाँ दोस्तों, अब जियो भी लैपटॉप के सेक्टर में अब आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ चुका है। काम चल रहा है, अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर टाइप करके एक नया लैपटॉप बना रहा है। और जानते हैं कुछ फीचर्स स्पेसिफिकेशन क्या आगे निकल के आते हैं इसमें और क्या कुछ खास रहते हैं नए जियो लैपटॉप में। अभी तक मार्केट में नहीं आया, बट उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे। मैं हूँ किरण, आप सबका दोस्त और हो दोस्तों तो आप देख रहे हैं द क्विक टेक। दोस्तों जो लैपटॉप निकल के आ रहा है सामने, वो बहुत अच्छा खासा लैपटॉप, उसमें बोला जा रहा है कि 4G वोल्टेज सपोर्ट रहेगा, इनबिल्ट आपके पास की 4G सिम रहेगा, हाई स्पीड नेटवर्क आपके पास रहेगा, अलग से वाईफाई के थ्रू अलग से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ जान लेते हैं उसके फीचर स्पेसिफिकेशन बारे में, उसके प्रोसेसर क्या रहेगा, क्या हार्डवेयर रहेगा, क्या सॉफ्टवेयर उसमें रहेगा। दोस्तों पहले उसके मतलब प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले i3, i7 या i5 ऐसे कुछ प्रोसेसर रहेंगे ऐसे बोला जा रहा है, और इंटेल का ही मैन्युफैक्चर होगा, और 2.3 GHz तक ये CPU प्रोसेसिंग करेगा। और इसके डिस्प्ले साइज जो रहेगा दोस्तों, वो 15.6 इंच का रहेगा बोला जा रहा है, बट देखते हैं कितना रहेगा। और बाकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक उसमें रहेगा, नॉर्मल जो ग्राफिक वगैरह थे, ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है बोला जा रहा है जियो जैसे बोल रहे। अब उसमें देखते हैं क्या है, उसमें आगे दिखता है। अब DDR3 का आपको HD RAM मिल जाता है, बहुत वो जो कि बहुत अच्छी बात है। 1 TB का आपको हार्ड डिस्क मिल जाता है, 4GB तक आपको RAM मिल जाता है, जो कि मुझे जहाँ तक लगा एक लैपटॉप के देखो कि अच्छा खासा फीचर्स वगैरह है। जहाँ तक आजकल का लैपटॉप 4GB RAM मतलब रहना ही चाहिए, जैसे लोग गेम वगैरह भी खेलते हैं, बहुत सारे एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर एडिटिंग वगैरह भी करते हैं। तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा, और वहाँ लिथियम बैटरी IOM का बैटरी लगा हुआ है ऐसे बोला जा रहा है। अब ये इसको विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। बाकी नॉर्मल ऐसे फीचर्स वगैरह निकल के आए हैं, बाकी आगे देखते हैं कि इसमें और कुछ निकल के आता है। अभी तो डेवलपर में चल रहा है, बना रहे हैं अभी उसको, सही से कैसा रहेगा और साइज क्या रहेगा, कौन से मतलब पतला रहेगा या मोटा रहेगा, कोने की तरफ क्या गोल गोल रखेंगे, यह नॉच डिजाइन आएगा क्या आएगा जैसे फ़ोन में आता है, तो देखने की बात है कैसे आगे रहेगा दोस्तों। तो होप ये जो जियो लैपटॉप के बारे में बताया आप लोगों को सुन के अच्छा भी लगा होगा, समझ में आएगा। आप फ़ोन के जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं, अब लैपटॉप भी यूज़ करने लगोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो होप ये जो जियो के बारे में लैपटॉप के बारे में बताया आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और नए दोस्तों को निवेदन चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।